नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। पंजाब में कोरोना से बिगड़ते हालात, ऑक्सीजन की किल्लत में दम तोड़ते मरीज। पंजाब के सीएम ने बिगड़ते हालातों को देखते हुए राधा स्वामी सत्संग ब्यास से मांगी मदद। जी हां, देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से कहरा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश में आज फिर पांचवी बार 4 लाख से ज्यादा नए केस मिले। देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही पंजाब में कोरोना से हालात भयावह हो गए हैं। हर रोज मिलने वाले नए संक्रमितों के आंकड़े 10,000 को पार कर रहे हैं। 300 से ज्यादा संक्रमित वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। 10,000 से ज्यादा भर्ती मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों और बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राधा स्वामी सत्संग ब्यास से सहयोग की मांग की है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मरीजों के इलाज के लिए सभी सत्संग केंद्रों को उपलब्ध करवाने और संक्रमण से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अपने सेवादारों को तैयार करने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने बाबा जी से अपील की है कि राज्य में कोविड प्रभावित लोगों के लिए दवाएं और अन्य राहत सामग्री आदि सहायता की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे राज्य सरकार मिशन फतेह के अंतर्गत कोविड मरीजों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, परंतु लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर धार्मिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य ऐसी जत्थेबंदियों के व्यापक सहयोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बीते साल राज्य की कोविड के विरुद्ध जंग में राधा स्वामी सत्संग ब्यास की शानदार सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास और उनके सेवादारों ने जो मदद की थी उससे हालात को स्थिर बनाने में काफी मदद मिली थी। उन्होंने कहा कि इस साल महामारी और भी घातक और जान के लिए खतरा बनी हुई है, जिस कारण इससे निपटने के लिए पंजाब को भी राधा स्वामी सत्संग ब्यास की सहायता की जरूरत है। हालांकि दूसरी लहर बेहद ज्यादा खतरनाक है, वहीं विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि आगामी तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक होगी, जिस कारण सभी के साझे प्रयासों की जरूरत है ताकि मिशन फतेह की सफलताओं को यकीनी बनाया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी और उनके सेवादार महामारी के पहले दौर से प्रवासी मजदूरों, राहगीरों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आए थे। वहीं राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने संक्रमित मरीजों के लिए न केवल कोविड सेंटर बनाया, बल्कि उनकी देखभाल, उनके खाने पीने और अन्य सुविधाओं के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादार मरीजों की देखभाल में दिन रात लगे हुए हैं, जो कि काबिले तारीफ है। जिनकी जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आपको बता दें कि बाबा जी के आह्वान पर सेवादार पहले से ही अलर्ट है। देश भर के कई राज्यों में, खास तौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में अनेक मुख्य सत्संग केंद्रों में पहले से ही कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां सेवादार मेडिकल टीम का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं और संक्रमित मरीजों को हर जरूरत की सुविधाएं, उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। खबर से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।